हेलो फ्रेंड्स, टीम यस वीकेंड की ओर से आप सभी दोस्तों को अपनी इस दोस्त का प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम जो सेशन आपके लिए लेकर आए हैं ना, वो है करंट अफेयर्स क्विज का। तो चलिए शुरू किया जाए ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की कितनी मुद्रणालयों को युक्त संगत बनाने हेतु आपस में विलय करने व उनके आधुनिकीकरण को मंजूरी देने का फैसला किया है? सही जवाब है 17 मुद्रणालय। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट इनसाइट लॉन्च किया गया है? सही जवाब है वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची सैंड कॉस्ट का निर्माण कहां पर किया गया था? सही जवाब है डुइसबर्ग जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2017 किस विभाग द्वारा आवश्यक संशोधन पर आधारित होगा? सही जवाब है विधि निर्माण विभाग, मतलब जो डिपार्टमेंट लॉ बनाता है ना, कानून, वो वाला डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ONGC ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में 2 करोड़ टन तेल के भंडार की खोज की है? सही जवाब है अरब सागर, अरेबियन सी। नेक्स्ट, टाटा स्टील ने यूरोपीय देशों में सामूहिक कारोबार के लिए जर्मनी की किस दिग्गज इस्पात कंपनी के साथ विलय की घोषणा की है? सही जवाब है थाइसन क्रप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस देश में निर्मित पहला उच्च क्षमता वाला रेल इंजन प्राप्त हुआ है? सही जवाब है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी विभागों में काम में सुधार हेतु BARR विधि को किस राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? सही जवाब है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश से आयातित बस व ट्रक के टायर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है? सही जवाब है चीन। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब ये होता है कि ये सामान जो है वो खराब है, इसलिए हमारे देश में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, ये संकेत होते हैं। तो ये केंद्र सरकार लगाती है, और इसने इस बार क्या किया है, चीन के बस और ट्रक के जो टायर्स होते हैं वहाँ से जो आते हैं, उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में 9 छात्रों 9 शिक्षकों तथा 9 तकनीकी संस्थानों को प्रथम विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही जवाब है सत्यपाल सिंह जी, और ज्यादातर इनका ताल्लुकात वैसे आपको पता होगा कि पुलिस विभाग से जुड़े रहे ये, लेकिन अभी ये शिक्षा राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ी खालिद लतीफ पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? सही जवाब है 5 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 सरकारी प्रेसों को कितनी इकाइयों में विलय करने की मंजूरी दी है? सही जवाब है 5 इकाइयों में। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने थोडो मान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को अपग्रेड करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही जवाब है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है 21 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की राजधानी अस्ताना में अंतर सरकारी आयोग की 13वीं बैठक का आयोजन किया गया था? सही जवाब है कजाकिस्तान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? सही जवाब है 15 समझौतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? सही जवाब है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा विदेशी व्यापार संबंधी मुद्दों के प्रभावी समाधान हेतु कौन सी ऑनलाइन सुविधा आरंभ की गई है? सही जवाब है contact@DGFT। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित किस टैंक रोधी मिसाइल का राजस्थान में सफल परीक्षण किया गया है? सही जवाब है नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई एनबीएल टीम में किस भारतीय को चुना गया है? अब हम नाम बताएं आपको, सही में हमको भी प्राउड हो रहा है फ्रेंड्स। चलिए हम नाम बताते हैं आपको, इनका नाम है अमृतपाल सिंह जी। ओहो, बधाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 11 सितंबर 2017 को 4 ऐतिहासिक समझौते हुए? सही जवाब है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस और चीन ने हाल ही में किस देश के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र बोर्ड के प्रति सहमति प्रकट की है? सही जवाब है उत्तर कोरिया। ये उत्तर कोरिया के बारे में आप सब ने सुना होगा कि किस तरीके से इसको लेके पूरा विश्व परेशान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का फैसला किया गया है? सही जवाब है प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट प्रियंका पवार पर डोप टेस्ट में असफल होने के कारण कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? सही जवाब है 4 साल के लिए, 4 साल तक ये खेल नहीं पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए कितने अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है 4 अहम समझौतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? सही जवाब है 50 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे में शामिल किया गया अत्याधुनिक कोच किस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है? मतलब कौन सा मिनिस्ट्री जो है इसको स्पॉन्सर किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने? सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय, यानी टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसको स्पॉन्सर किया है, ये महेश शर्मा वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस दिग्गज कंपनी ने हाल ही में प्राइवेट लिमिटेड के रूप में बदलने हेतु प्रस्ताव मंजूर किया है? सही जवाब है टाटा सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे धनी महिला का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? सही जवाब है लिलियन बेटनकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम सचिव इनम गंभीर ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को क्या कहकर संबोधित किया था? सही जवाब है टेररिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अपैरल फेयर वस्त्र के 6th संस्करण का हाल ही में किस शहर में शुभारंभ हुआ? सही जवाब है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति मिशेल टेमर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में सबसे पहले नई परमाणु संधि पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस नदी के विश्लेषण हेतु नौका पर प्रयोग की शुरुआत की गई है? सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साइक्लिस्ट ने 78 दिनों में विश्व के चक्कर लगाकर पिछली गिनीज रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? सही जवाब है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के अहिंसावादी लोगों ने गांधी जयंती के अवसर पर फॉलो द महात्मा नामक एक अनूठा अभियान चलाने की घोषणा की है? सही जवाब है इसका नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार की संपत्तियां फ्रीज करने के आदेश दे दिए। ठीक, अब आपको बताना है कि उन पर किस मामले से संबंधित आरोप लगे हैं। सही जवाब है पनामा गेट मामले। सही जवाब है पनामा गेट मामला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किस देश द्वारा किया गया है? सही जवाब है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट में किस देश की क्रेडिट रेटिंग को दूसरी बार घटाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी क्षेत्र की किस कंपनी ने ताइवान की कंपनी के स्मार्टफोन कारोबार को 1.1 अरब डॉलर में खरीदने का फैसला किया है? सही जवाब है गूगल। ये कौन सी कंपनी का कारोबार खरीदेगी? HTC जो चला करती थी कंपनी, उसका कारोबार गूगल अब ले लेगी अपने हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेलीस्कोप ने धूमकेतु जैसी विशेषताओं वाले अनोखे बाइनरी एस्टेरॉयड को खोजा है? सही जवाब है हबल। क्वेश्चन नेक्स्ट, 20 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस योजना को मंजूरी दे दी गई? सही जवाब है खेलो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने स्वच्छ भारत का शुभारंभ कहां से किया है? सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन अभ्यास शुरू करने जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। भारत की नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन अभ्यास शुरू करने जा रही है। आपको बताना है कि यह अभ्यास किस संस्था के साथ मिलकर शुरू किया जाएगा? सही जवाब है बिम्सटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की किस संस्था द्वारा नौरोजी नगर परियोजना को विकसित करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से लाइसेंस लिया गया है? सही जवाब है NBCC। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा व्हाट्सएप, स्काइप आदि जैसे इंटरनेट कॉलिंग एप्लीकेशन पर लगाया गया प्रतिबंध 20 सितंबर को हटा लिया गया है? सही जवाब है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा मिखाइल कालशेनोकिव की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो AK-47 राइफल्स के जनक थे? सही जवाब है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के घोषणा के मुताबिक किस प्लेटफॉर्म को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की तरह ट्रीट किया जाएगा? सही जवाब है पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा किस मोटर कंपनी के साथ 3 साल का MOU साइन किया गया है? सही जवाब है फोर्ड। नेक्स्ट, किस देश का सॉवरेन वेल्थ फंड अब पहली बार $1 अरब तक पहुंच चुका है? सही जवाब है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय बैसेरिया को किस देश में भारत का उच्च आयुक्त या हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? सही जवाब है पाकिस्तान। क्वेश्चन नेक्स्ट, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है रजत शर्मा, वही आपकी अदालत वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की स्पेशल लिस्ट ऑफ ग्रेट लिविंग बिजनेस माइंड्स में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इनके नाम हम बता रहे हैं क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन, इनमें से कौन से वो शख्स हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो अगर आपको नाम याद होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे आप लोग। तो नाम इस तरीके से हैं, विनोद खोसला ये एक हैं, दूसरे हैं रतन टाटा और तीसरे हैं लक्ष्मी निवास मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट खिलाड़ी को BCCI द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार के लिए 20 सितंबर 2017 को चुना गया? सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी को। तो दोस्तों,
इसी लास्ट सवाल के साथ ये सेशन तो यहीं पर हुआ खत्म, लेकिन क्या सेशन ऐसे ही खत्म होगा? नहीं, हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस रिकॉर्डिंग को खूब एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना? इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत को दिल से सलाम करते हुए एक बार फिर आप सभी से कहना चाहेंगे प्यार भरा नमस्कार।